शिकायत बहुत ही प्यारा गाना है, तो सैड सॉन्ग, बट आज का जो यूथ है उसके दिल की गहराइयों को बहुत छूने वाला गाना है। और जिस तरह से हम पिक्चराइजेशन करना चाह रहे हैं इसका, और जिस वे से हम इसका पिक्चराइजेशन करेंगे, तो आप ब्यूटीफुल फेसेस तो आप देख रहे हैं, तो हर यूथ चाहेगा कि वो ये गाना अपने दिल में समा ले, क्योंकि जो ये ब्रेकअप से जुड़ा हुआ भी है और वापस पैचअप तक कन्वर्टेड है। पहली बात तो आपका नाम काफी कंट्रोवर्शियल है, स्ट्रगलर, तो ऐसा नाम क्यों रखा आपने, स्ट्रगलर? सर मैं स्टार्टिंग डे से काम कर रहा हूँ, स्ट्रगल करते करते मुझे कभी मुकाम दिखा नहीं, और मैं बड़े बड़े को देखते जा रहा हूँ तो उनका भी मुकाम मुझे नज़र नहीं आया कि उनको कभी भी लाइफ में काम करने वाले इंसान को सेटिस्फेक्शन मिला हो। और हर जगह जहाँ काम करते हैं हमें खुद को स्ट्रगल करना ही पड़ता है, तो मैंने कहा कि ठीक है स्ट्रगलर अपने नाम के साथ रखूँगा, तो मेरी एनर्जी एनी टाइम रिचार्ज रहेगी, हमेशा मैं स्ट्रगल करते रहूँगा। सेकेंड पार्ट ये है कि जितना स्ट्रगल मैंने किया है इस लाइन के लिए अपनी लाइफ में, या हर जो भी मैंने काम किया, उन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उन सीखने के बाद में जो यूथ मेरे सामने आता है उन्हें स्ट्रगल करते देखता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि उनको स्ट्रगल तो वो करते हैं बट उनके पास कोई रास्ता या वे या तरीका नहीं है कि वो कैसे आगे बढ़े। तो जो रास्ते, जो तरीके और जो मेहनत मैंने ईजाद की है, मैं उनको चाहता हूँ कि जो स्ट्रगल करने वाले हैं उनको आगे से आगे सपोर्ट करूँ, उनको आगे से आगे बढ़ाऊँ, उनको सही रास्ता जितना मुझे आता है मैं बता सकूं, ताकि वो उस मुकाम पे जा सके। क्योंकि सोच सबकी होती है, परंतु रास्ता सही नहीं मिलने की वजह से बेचारे बैक टू अपने पवेलियन चले जाते हैं। घर वाले बोलते हैं बेटा शादी करनी है, घर आ जा, कोई उपाय नहीं है। ओके, फिल्म का पोस्टर आज लॉन्च हो रहा है ये और म्यूज़िक है, वीडियो है, म्यूजिक को जो सिंगल लॉन्च म्यूज़िक हो रहा वीडियो है, तो कुछ बताना चाहिए किस तरह का म्यूजिक है, और काफी अलग पोस्टर दिख रहा है। है। ये बहुत ही सुकून देने वाला म्यूज़िक है। इसमें म्यूज़िक हमारे देवाशीष जी ने किया है, जो देव भाई पहले आदित्य श्रीवास्तव जी के साथ भी खूब काम किया, और उन्होंने मराठी फिल्में खूब की है, हिंदी फिल्में खूब की है। जिस समय मैंने उनका कंपोज किया गाना सुना था तो मेरे दिल को छू गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान गानों से अटैच होता है। और अगर मेरा जैसा इंसान अगर अटैच होता तो मैं समझता हूँ कि देश की 65% यूथ मेरे सॉन्ग से अटैच होने ही होने हैं। गाने में मैंने बहुत खूबसूरत शब्द यूज़ किए हैं उन्होंने, और म्यूज़िक इतना अच्छा है कि वो अंदर तक फील आए। तो मेरा एक बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग है कि जिस खूबसूरती से उन्होंने म्यूज़िक दिया है, मैं उसका वीडियो भी उतनी खूबसूरती से फिल्माऊँ कि पब्लिक विजुअल एंड ऑडियो दोनों की वजह से, दोनों से सेटिस्फाई रहे। स्टार कास्ट की बात करूँ तो स्टार कास्ट को किस तरह से आपने चुना, मतलब ऑडिशन स्टार किया? सेम कास्ट की तो ये है सिकंदर कुरैशी, जो मैं टाउन से ही दोनों। एक टीम के लिए स्टेज शो करता था, तो उसमें मिस्टर रजवाड़ा के विनर रहे हुए हैं। और उसके बाद में तो सिकंदर की मेहनत की वजह से आज इसने ग्लिटरस मिस्टर इंडिया 2018 भी जीत लिया है। और फिर हम सेम टाउन से, और हमारा अटैचमेंट काफ़ी रहा है, तो हमने सिकंदर को चूज़ किया। और सिकंदर ने लिए चूज किया। मैं एक सेकंड में क्लिक हुआ, तो हमने कल शाम को डिसाइड किया कि भाई ठीक है हम ऐसे करेंगे, और आज हम उस युद्ध स्तर पे अटैक के लिए तैयार हो गए, क्योंकि नाम स्ट्रगलर रखा हुआ है, तो हर चीज़ फास्ट करनी है और अपनी मेहनत से करनी इस बार आप वीडियो में नहीं है है। मैं सिर्फ एज सिंगर आऊँगा, सर। थोड़े से फुटेज। सर क्या कारण है कि आप दूसरे स्टार को लाइमलाइट में ला रहे हैं और खुद नहीं आ रहे हैं, सर क्या मैं क्या कुछ कारण है? कारण और कुछ कारण है बहुत बड़ा। मैं वैसे मेरे हर वीडियो में मैं आता हूँ, मेरे पीछे 8-10-12 सॉन्ग है जिसमें सब में मैं वीडियो में हूँ, और इस सॉन्ग के बाद मेरे 100 गाने आ रहे हैं जिसमें सब में मैं वीडियो में हूँ। सिर्फ सिकंदर से मेरा अटैच इतना ज़्यादा है कि ये फर्स्ट बंदा है जिसको मैंने सीधे इसके लिए गाना बनाने की स्केप सोच में ली। जो एक फर्स्ट मॉडल है जिनको इन्होंने एंट्री दी होना, अदर बड़ा अदर ये है कि किसी को एंट्री देते नहीं है, किसी को अलाउ नहीं करते, भाई घूम बिकॉज टू निचले ना है भाई, आई एम बिकॉज ऑफ हिम, इन्हीं की वजह से जो कुछ हूँ मैं भी, मेरे को भी एक तरह क्रांति से मुझे इंडस्ट्री में लेके आने वाली भी यही। ओके सर, सबसे बड़ी बॉलीवुड की बात करें तो नए नए स्टार बॉलीवुड में आते हैं, और कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड से सबसे एक नाम जुड़ा जैसे कि रहता है कि बदनाम है बॉलीवुड कास्टिंग काउच को लेके, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना एक्साइट करता है इस बात को लेके, आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए बात यह है कि जो इस प्रोफेशन को दिल से और जहन से लेगा तो वो कास्टिंग काउच में नहीं जाएगा, ठीक है। और जिस इंसान के दिल में इस लाइन से प्यार ही नहीं है,
तो वो अलग अलग बिजनेस से उठ के बॉलीवुड की सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है कि यहाँ दूसरे इंडस्ट्री के लोग इस लाइन को समझे बिना बिना पढ़े बिना वर्कआउट किए इस इंडस्ट्री में कूद जाते हैं. जब उन्होंने मेहनत की नहीं ना तो उन्हें सब हरा हरा दिखता है, वो इस लाइन को बर्बाद बदनाम करते हैं. हकीकत में जो आर्टिस्ट होगा वो आर्ट को आगे बढ़ाएगा. जैसे मैं मेरा कह सकता हूँ कि मैं म्यूजिक में मैंने अपने आर्ट को पैदा किया, मैंने सिंगिंग को किया. इवन अगर मैं कहूँ कि ये फोटो भी मैंने सिर्फ मोबाइल से सुबह शूट किया है और एडिट भी मैं करके लाया हूँ, तो अगर मेरे अंदर आर्ट है तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आर्ट को तवज्जो दूँ, बाकी चीज़ों को ना दूँ. बाकी चीज़ों के लिए पूरा वर्ल्ड है, आप दुनिया में कहीं भी धक्के खा सकते हो. तो इस प्रोफेशन को बदनाम करें ये सबसे बड़ी गलती है हमारी. लेकिन सरोज खान ने जो बयान दिया था जिस पर उन्होंने कहा कि कास्टिंग काउच होता है, तो आप कितने मानते हैं बॉलीवुड में कितना है? देखिए ये चीजें, मैं बॉलीवुड में जिस तरह एंट्री करके आया हूँ मुझे तो 85% दिखा है, परंतु उसको सुधारने वाले भी हम ही लोग हैं. अगर आज हम लोग सुधारने के पीछे नहीं लगेंगे तो सभी आने वाली हर जनरेशन ये बात बोलेगी. शिकायत क्या है? शिकायत अगर देखा जाए जो आपने नाम इसका चूज किया उसके बारे में, शिकायत ये है कि अगर अगर इंसान गलती से कुछ गलतियां कर बैठता है, हम ह्यूमन हैं, हम यंग एज में हैं, मिस्टेक करते हैं, दिल से हम खराब नहीं होते, हम भटक सकते हैं, तो उस शिकायत को हमें वापस दूर कर लेना चाहिए. हमें उस पर रेजिस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जो सेकंड कोई भी दुनिया में मिलेगा वो एवरीवन में कहीं ना कहीं कमियां, कहीं ना कहीं लैक होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होगी, तो हमें मंजिल कभी नहीं मिलेगी. तो कभी कभी कुछ चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, और उस क्योंकि जो इंसान गलतियां करता है वो कुछ टाइम बाद में उस गलतियों को महसूस भी करता है और समझता भी है. हम शूट पर जाएंगे और 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में लगभग अगर बारिश ने हम पे प्रकोप नहीं रखा तो हम इसको शूट पे उतर जाएंगे. रिलीज पे उतर जाएंगे. मैडम आप बताइए आपकी किस तरह से आपको सर ने भूमिका दिया है और सर एक्चुअली मेरे साथ तो ये मैजिक हुआ है बिकॉज मैं कल ही मुंबई शिफ्ट हुई हूँ और जैसा मैंने सुना है कि मुंबई सपनों की नगरी है, तो आई थिंक मेरे साथ ये सपना सच हो गया कल. क्योंकि द स्टोरी वॉज मेरी फ्रेंड थी जिसको सिकंदर ने फाइनल कर रखा था कि शी विल डू दिस, शॉर्टलिस्ट किया था, शी विल डू दिस एल्बम दिस सॉन्ग. देन मैं जस्ट उसके साथ ऐसे ही मिलने चले गई थी कि शी इज गोइंग तो आई शुड ऑल्सो गो. देन सर ने, सर को मेरा लुक बहुत अच्छा लगा एंड देर वॉज नो कास्टिंग काउच, नथिंग, नो डिमांड, एंड आई एम सीरियसली ब्लेस्ड दैट आई एम वर्किंग विद दीज गाइज एंड आई एम हियर. आप महिला हो, आप भी मानते हो सब चीजें होती है आपके साथ? भाई थोड़ा नीचे लेने यार. सर मैं तो अभी अभी आई हूँ तो मुझे सीरियसली नहीं पता. हाँ सुना है, देखा है, क्योंकि मैं बरेली से हूँ और दिल्ली में रह रही थी. आई वॉज एन एयर हॉस्टेस और अभी जस्ट एंट्री करी है कल से, तो मुझे ब्रेक मिला है तो मैं कुछ नहीं बोल सकती कि क्या होता है क्या नहीं इंडस्ट्री होता. ये आज से नहीं है, कासी गांव शुरू से चलता आ रहा है, चलेगा. डिपेंड करता है कि आपको शॉर्टकट चूज करना है या लॉन्ग कट चूज करना है, डिपेंड करता है आर्टिस्ट के ऊपर. अभी तो गर्ल्स क्या बॉयज को ही नहीं छोड़ता है कोई यार. मैं मॉडलिंग फील्ड से हूं यार. मुझे के बारे में बताइए एल्बम. अच्छा एल्बम के बारे में सुनना चाहते हैं. एल्बम ये है कि फर्स्ट क्लास है. इसके जो लिरिक्स मुझे 2 दिन पहले ही सर ने सुनाए थे, उसको देखते ही मैंने यस कर दिया. और बहुत टैलेंटेड है सर, वन मैन आर्मी है, मल्टी टैलेंटेड है, डायरेक्टर भी है, सिंगर भी है, प्रोड्यूसर भी है, कैमरामैन भी है, सभी चीज़ें. पोस्टर काफ़ी रोमांटिक दिख रहा है, तो कितना आपने तैयारी? डिमांड ही यही ना, तैयारी क्या है कि बस यार जो आर्टिस्ट होंगे उसको तैयारी नहीं करनी पड़ती यार. ऑन स्पॉट अपनी तैयारी दिखाया था जो भी परफॉर्मेंस है. शिकायत इसके बारे में क्या कहेंगे? जब टाइटल बहुत औसम ही है, क्योंकि शिकायत किसी ना किसी के साथ रहती है, सभी लोगों को एक दूसरे के साथ. मुझे इनसे शिकायत है, मुझे उन